जब जमीन पर बैठकर महारानी स्टूडेंट से मिली। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे अशोकनगर जिले के अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज चंदेरी में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के तहत कॉलेज की छात्र छात्राओं से संवाद करने पहुंची, जहां उन्होंने मंच पर लगी कुर्सियों पर न बैठकर जमीन पर बैठकर छात्र छात्राओं से संवाद किया। युवा संवाद कार्यक्रम के तहत सिंधिया ने छात्र छात्राओं से उनके कॉलेज और छात्र जीवन संबंधी विषयों पर चर्चा की और छात्र छात्राओं को होने वाली समस्याओं को जाना। श्रीमती सिंधिया ने समस्याओं के निदान के लिए सुझाव भी मांगे और छात्रों से कहा कि अगर आपको इन समस्याओं का हल करना हो तो किस तरह करेंगे, जिस पर छात्रों ने अपने सुझाव भी दिए, जिनको सिंधिया ने नोट किया और कहा कि शीघ्र ही आपके द्वारा दिए गए सुझावों को अमल किया जाएगा। कुछ छात्रों द्वारा कॉलेज में उच्च कोर्सेज की व्यवस्था की बात तो कुछ स्पोर्ट्स सामग्री और खेल मैदानों की मांग की, जिस पर सिंधिया ने छात्रों से अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी एक्टिव रहने को कहा। इसके बाद सिंधिया ईशागढ़ रवाना हुई, जहां वे महिला सम्मेलन में शामिल हुई, जिसके बाद नई सराय और चंदेरी में महिला सम्मेलन में शामिल होंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।